Kartik Akkor with the session number 5th of your chapter electricity, and in this session we are here going to discuss about resistance of a system of resistance, that is in series combination. Simple se baat hai, yadi resistance aap itna samajh lijiye, kafi sare resistance hain ek circuit mein lage hue hain series mein, clear? To series combination ke through jo hum equivalent resistance hai उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विद द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. एक्चुअली टू और मोर रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन मेथड इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सर्किट. सिंपल सी बात है, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को हम अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन मेथड्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले ठीक है पर्टिकुलर सर्किट में वो अचीव हो जो हमें रिक्वायर्ड है. इज दैट क्लियर टू यू दैट टू और मोर रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन ईच अदर बाय डिफरेंट कॉम्बिनेशन मेथड इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर सर्किट. क्लियर? So the thing is that normally there are two methods of joining the resistors together. Normally जो resistors को एक साथ join करने के हमारे पास दो methods हैं. First series combination, second parallel combination. एक और method होता है हमारा mixed combination. But वो कोई method नहीं होता. Simply series combination और parallel combination को जब हम combined करके किसी circuit में use करते हैं, तो हम उसे mixed combination बोल देते हैं. तो सिंपली और वी कैन से जनरली हमारे दो ही मेथड होते हैं ज्वाइनिंग के किसी भी रजिस्टर को एक साथ ज्वाइन करने के लिए. फर्स्ट होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन. इज दैट क्लियर? सो द थिंग इज व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. सो व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड देन दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज. जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाए तो they will be said to be connected in a series. हम normally ये कह सकते हैं कि आप जो resistors हैं वो एक दूसरे के साथ series में connected हैं. Simply आप ये भी कह सकते हो कि series combination में जो resistors होते हैं वो एक दूसरे के साथ end to end connected रहते हैं. Is that clear to you? That when two or more resistors are connected end to end, then they are said to be connected in the series. That is, आप यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टर इन सीरीज R1, R2, R3 तीन रेजिस्टर्स हैं. एंड टू एंड हमने इन्हें कनेक्ट किया गया है. ये हमारे बैटरी सोर्स है, ये एमीटर सोर्स है, ये हमारा की है, ये वोल्ट मीटर है. दैट इज द थिंग इज दैट ये पूरा एक हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें हमने इन तीनों रेजिस्टेंस को R1, R2, R3 को एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ है. दैट इज ये जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है. तो सिंपली सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें हम एक दूसरे के से एंड टू एंड कनेक्ट कर देते हैं. समझ में आया? नाउ द थिंग इज दैट हम कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. सो हियर इज द डेरिवेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन. एन अप्लाइड पोटेंशियल वी प्रोड्यूसेस करंट आई इन द रेजिस्टर्स. सिंपल सी बात है, कोई भी यदि हमने पोटेंशियल वी अप्लाई किया तो वो आई करंट प्रोड्यूस करेगा रेजिस्टर्स में. And R1, R2, R3 causing a potential drop V1, V2 and V3 respectively. और जो R1, R2, R3 resistors हैं, ये obviously होगा, ये potential drop जो होगा, उस case में हमारा V1, V2 and V3 होगा respectively through each resistor. हर resistor के through V1, V2, V3 हमारा potential drop होगा. तो simple सी बात है, हमारा current I हो गया. Clear? Current यहाँ पे series combination के time पे जो करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है. तो करंट आई हो गया, हमारा जो रेजिस्टेंस है वो R1, R2, R3 हो गए और जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V1, V2, V3 हो गए. अभी हमें टोटल पोटेंशियल निकालना है तो V इज इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3. क्लियर? V1 इज इक्वल टू IR1 हो जाएगा क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है. तो फर्स्ट के लिए V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3. हम क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3. सो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. सो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR1 प्लस R2 प्लस R3. V इज इक्वल टू IR होता है,
आई आर इज इक्वल टू आई आर वन आर टू आर थ्री, ठीक है, एडिशन में है सब, आई से आई कैंसिल हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ द ऑल रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द कॉम्बिनेशन, दैट इज आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दैट इज आर एन। क्लियर? देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जितने भी हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होते हैं वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर होता है। क्लियर? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दस ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ द ईदर रेजिस्टर। सिंपल सी बात है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली बड़ा होगा, ग्रेटर होगा देन द रेजिस्टेंसेस ऑफ द ईदर रेजिस्टर। दिस इज नोन एज द मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इसको हम मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर टू यू? ऑल्सो द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। हर एक रेजिस्टर के थ्रू जो भी करंट फ्लो होगा वो सेम होगा एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वो डिफरेंट होगा। करंट तो सेम रहेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। क्लियर? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ हमारे पॉइंट्स थे। अब बात आती है, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को। कैसे सॉल्व आउट करते हैं हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस एंड द करंट दैट फ्लोज इन द सर्किट इन ईच रेजिस्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास तीन रेजिस्टर्स हैं, जिसका R1 is equals to 5 ohm दिया हुआ है, R2 is equals to 10 ohm दिया हुआ है, R3 is equals to 15 ohm दिया हुआ है। साथ में जो हमें बैटरी दी गई है that is electric cell दी गई है, वो 12 volt की दी गई है। क्लियर? हमें क्या करना है, हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्लियर? एंड द करंट फ्लो इन द सर्किट, और हमें कंबाइंड करंट फ्लो फाइंड आउट करना है जो भी सर्किट से फ्लो होता है। और साथ में हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस वो कितना है। तो हम फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा हमें क्या क्या गिवन है। हमें R1 गिवन है 5 ओम, R2 गिवन है 10 ओम, R3 गिवन है 15 ओम। क्लियर? V गिवन है हमें 12V। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें R फाइंड आउट करना है, हमें I फाइंड आउट करना है, और साथ में हमें V1, V2 एंड V3 की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन था। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, सो 5 प्लस 10 प्लस 15, तो R इज इक्वल टू हो गया हमारा 30 ओम। क्लियर? सो द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, अब हम करंट निकालेंगे तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, दैट इज 12 अपॉन 30, दैट विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 5, सो I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.4 एम्पीयर। अब हमें V1 V2 V3 वैल्यू की वैल्यू निकालनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर थर्ड रेजिस्टर यदि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो V3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा IR3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.4 इनटू 15, दैट विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, वो एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किए गए हैं जैसा आप फिगर में देख सकते हो। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आपको जो सर्किट है उसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है आपको वो भी फाइंड आउट करना है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिक लैम्प है जो कंडक्टर है उसके अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपको वो भी फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो जो इलेक्ट्रिक लैंप है उसके थ्रू जो रेजिस्टेंस है दैट इज R1 हमें गिवन है 20 ओम, जो हमारा कंडक्टर है उसके थ्रू जो रेजिस्टेंस है दैट इज R2 हमें गिवन है 4 ओम। क्लियर? टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट
दैट इज आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर वन प्लस आर टू. सो आर एस इज इक्वल्स टू दैट इज सीरीज में जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इज इक्वल्स टू 20 प्लस 4. सो दैट विल बी इज इक्वल्स टू 24 ओम. नाउ द टोटल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज वी इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट हमें ऑलरेडी गिवन है. नाउ अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द करंट थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर एस. आर एस यहाँ पे जो सीरीज वाला हमारा रेजिस्टेंस है. तो आई एस इक्वल्स टू हो जाएगा 6 वोल्ट अपॉन 24 ओम. सो आई एस इक्वल्स टू हो जाएगा 0.25 एम्पियर. सिंपल सी बात है, जो सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 24 ओम आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट आ गया एंड आई एस इक्वल्स टू दैट इज जो करंट है दैट इज इक्वल्स टू 0.25 एम्पियर. नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर सेपरेटली वी गेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प. हमने क्या किया, हमने V इज इक्वल्स टू दैट इज हमें फाइंड आउट करना है V1. V1 इज इक्वल्स टू 20 ओम इनटू 0.25 एम्पियर. सो दैट विल बी इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट. क्लियर. अब अक्रॉस द कंडक्टर V2 हमें फाइंड आउट करना है दैट इज 4 ओम इनटू 0.25 एम्पियर. सो दैट विल बी इज इक्वल्स टू 1 ओम. नाउ सपोज दैट वी लाइक टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर बाय अ सिंगल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टर. इस रेजिस्टेंस मस्ट बी सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल विल कॉज करंट ऑफ 0.25 एम्पीयर इन द सर्किट. सो द रेजिस्टेंस ऑफ दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टर वुड बी आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बी अपॉन आर है तो 6 वोल्ट अपॉन 0.25 एम्पीयर दैट विल बी इक्वल्स टू 24 ओम. दस द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज इन द ऑफ द सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू रेजिस्टेंसेस. इज दैट क्लियर टू यू. Now the thing is, what are the disadvantages of series combination? Series combination के disadvantages क्या होते हैं? Actually, in series combination, if any of the components fail to work, the circuit will break and then none of the component will work. Simply, series combination में यदि कोई एक भी component fail हो जाता है work करने में, तो सारा का सारा circuit break हो जाता है. That is, कोई भी component work नहीं करता. पहला disadvantage तो ये है. Second, it is not possible to connect a valve with a heater in series. Series में किसी भी valve को हम heater के साथ connect नहीं कर सकते. क्यों? Because they need different value of current to operate properly. उन्हें operate करने के लिए different values की requirement पड़ती है, different current की values की requirement पड़ती है. And hence, to overcome this problem, we do not use series circuit. इसीलिए valve और heater को हम एक साथ series में connect नहीं कर सकते. हम इस सर्किट को सीरीज सर्किट को हम ऐसे किसी भी केस में यूज नहीं कर सकते जहां पे जो करंट है उनकी डिफरेंट वैल्यूज रिक्वायर्ड हो. इज दैट क्लियर. क्योंकि सर्किट पूरा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. सो द थिंग ऑब्वियसली इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी एक्स इज पुल्ड टू डबल इट्स लेंथ व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टिविटी. कोई एक वायर है रेजिस्टिविटी एक्स का, उसे पुल किया गया उसकी लेंथ के डबल कर दिया गया. अब उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी. यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम से स्टार्ट नाउ. 1 2 3 4 5 टाइम्स अप. सो हैव यू आंसर दिस इन योर माइंड. लेट्स चेक आउट. एक्चुअली द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर रिमेन्स द सेम. जो वायर है उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो सेम रहेगी. दैट इज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. हमने स्टडी किया हुआ है ना कि जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है. तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे. आज हमने क्या स्टडी किया. आज हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी किया और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करे. In next session, we are going to discuss about parallel combination. Till then,